स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर 6 से हीट एंड एनर्जी से एक्सरसाइज 6A। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ हीट, राइट इट्स SI यूनिट। तो पेज नंबर 126 पे आपको मिलेगा कि व्हाट इज़ हीट और इसकी SI यूनिट क्या है। तो पेज 126 पे आप आ जाओ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर व्हेन केप्ट इन कॉन्टेक्ट। SI यूनिट पूछा है, तो SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और एब्रीवेटेड फॉर्म में जी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, स्टेट द डायरेक्शन इन विच हीट विल फ्लो। तो देखो, इसका आंसर ये होगा कि अगर दोनों का टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी। इसका मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी तरफ से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द SI यूनिट ऑफ हीट, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द यूनिट कैलोरी। SI यूनिट हमने देखा जूल होता है, और कैलोरी के साथ क्या रिलेशन है कि 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, दैट इज़ नियरली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि डिफाइन टेम्परेचर एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो ये आंसर भी आपको पेज नंबर 126 पे मिलेगा। तो देखो, यहाँ पे 126 में बॉक्स में है कि टेम्परेचर इज़ अ क्वांटिटी विच इंडिकेट द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका SI यूनिट, तो देखो SI यूनिट यहीं पे नीचे दिया हुआ है कि द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन और सिंबल है इसका K। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाई डज अ पीस ऑफ आइस व्हेन टच्ड विथ हैंड अपीयर कूल, एक्सप्लेन। तो ऑन टचिंग आइस हीट पासेस फ्रॉम आवर हैंड टू आइस। जो आइस है वो मेल्ट करने के लिए हीट कहाँ से लेता है, हमारे हैंड से, हमारे पाम से लेता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ कैसा फील होता है, ठंडा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। पेज नंबर 126 पे है, बॉक्स में यहाँ पे गिवन है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर कि हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ऑप्टेन होता है ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। जबकि टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो हमको बताती है थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है। SI यूनिट इसका जूल है, जबकि SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है। और ये अमाउंट ऑफ हीट जो कंटेंट होता है डिपेंड करता है मास पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे, और जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पे, जो कि रैंडम मोशन की वजह से है। हीट मेजर होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, जबकि टेम्परेचर मेजर होता है थर्मामीटर से। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, 6 डिफरेंसेस है, यू कैन कॉपी 3 और 4 फ्रॉम हियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस से क्या समझते हो आप। पेज नंबर 127 पे बॉक्स में है, द एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। बस सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th है कि नेम टू सब्सटेंसेस विच एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है ब्रास और आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th है आपका कि नेम टू सब्सटेंसेस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। तो ये वाटर है जो हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है 0 to 4 degree Celsius, और सिल्वर आयोडाइड है जब उसको 80 degree Celsius से 141 degree Celsius पे करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इवन दो ऑन हीटिंग। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो एक्सपेंशन ऑफ वाटर ऑन कूलिंग इट फ्रॉम 4 to 0 degree Celsius, 4 से 0 degree Celsius पे जब जाता है तो क्या होता है, एक्सपेंड करता है वाटर। तो इसी एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि एट वॉट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, स्टेट इट्स वैल्यू। तो 4 degree Celsius टेम्परेचर पे जो है वो डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है, और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 1000 kg per m³। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास कि स्टेट द वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मास ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 टू
10 डिग्री सेल्सियस स्केच अ टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ टू शो द बिहेवियर। पेज नंबर 127 पे देखो बुक में, तो पेज नंबर 127 पे यहाँ पे बिहेवियर आपको शो किया हुआ है 12th के लिए। देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर विद टेम्परेचर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। जो वॉल्यूम है वाटर का पहले डिक्रीज करेगा जब 0 to 4 डिग्री हीट करेंगे और फिर इंक्रीज करेगा जब फर्दर 4 to 10 डिग्री सेल्सियस हम हीट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर देखो मिनिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो ये ग्राफ भी आपको ड्रॉ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है अब कि ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर इन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी के साथ भी उसी सेम पेज पे 127 पे दिया हुआ है, ग्राफ भी मेंशन्ड है। देखो यहाँ पे फिगर 6.2, ये जो नीचे दिया हुआ है देखो डेंसिटी का दिया हुआ है, टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ ये वेरिएशन दिखाता है डेंसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जब वाटर हीट किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो डेंसिटी ऑफ वाटर पहले इंक्रीज करता है 0 to 4 और फिर डिक्रीज करने लगता है 4 to 10 डिग्री सेल्सियस। ऑन द अदर हैंड ऑन कूलिंग वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर फर्स्ट इंक्रीजेस और फिर मैक्सिमम हो जाएगा 4 डिग्री अप टू 4 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज कर जाता है जब कूल करते हैं फर्दर 4 to 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पे और उसकी वैल्यू ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और केजी में 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 14 है अ गिवन मास ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 10 to 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर को कूल कर रहे हैं 10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे। स्टेट द वॉल्यूम चेंजेस ऑब्जर्व्ड रिप्रेजेंट दीज चेंजेस ऑन टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ। जो ग्राफ आपने आंसर नंबर 12 में देखा है 14 भी उसी में समझ में आ जाएगा कि जब 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं, अरे सॉरी कूल करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है देखो इधर डिक्रीज कर रहा है और फिर 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने में वॉल्यूम क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो आप ये डायग्राम बनाओगे और क्या लिखोगे कि व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 10 टू 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड व्हेन फर्दर कूल्ड फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेल्सियस इट फर्दर इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस फॉलो फ्रॉम दिस पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, डिस्कस करो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फेनोमिनन इन नेचर। पेज नंबर 128 पे देखो, तो पेज नंबर 128 पे यहाँ पे होप एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो इन्होंने दो थर्मामीटर लगा के रखे हुए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। यहाँ पे एक ट्रफ है जिसके अंदर इन्होंने जो है फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है और ये जो टेम्परेचर है ना ऊपर का, ये इसका फ्रीजिंग मिक्सचर का वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस इन्होंने लिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन देखो इसमें होगा क्या, अच्छा नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ऑब्जर्वेशन देखो इसमें होगा क्या कि इनिशियली दोनों थर्मामीटर उसमें T1 और T2 शो करेंगे सेम टेम्परेचर, ठीक है, शुरुआत में सेम टेम्परेचर दिखाएंगे जो कि रूम टेम्परेचर होगा। फिर उसके बाद फर्स्ट क्या होगा कि टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई लोअर टेम्परेचर T2 स्टार्ट डिक्रीजिंग। सबसे पहले ये नीचे वाले का टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और फाइनली जो है स्टडी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये सेकेंड नीचे की वाला जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फर्दर जो है नहीं डिक्रीज करेगा, जबकि जो टेम्परेचर है रिकॉर्डेड इन अपर थर्मामीटर रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज ड्यूरिंग दिस टाइम। और जब तक ये 4 डिग्री सेल्सियस पे नीचे वाला आ रहा है ऊपर वाला उतना ही रहेगा 0 डिग्री, अरे वो ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा इस टाइम पे जब ये 4 डिग्री सेल्सियस तक पे आ रहा है। अब होगा क्या कि वाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई लोअर थर्मामीटर 4 डिग्री सेल्सियस है,
अब थर्मामीटर T1 क्या करेगा, कंटिन्यूअस फॉल दिखाएगा, और ये फॉल नीचे वाले की तरफ 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जा रहा बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। यानी अपर लेयर ऑफ वाटर क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस तक फॉल कर जा रहा है। देन इट ऑल्सो बिकम्स स्टडी, अब जो है स्टडी हो जा रहा है। तो दस फाइनली द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई अपर थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस है और लोअर थर्मोमीटर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है। तो यही चीज़ आपको क्या दिखाती है कि वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए जो नीचे की तरफ पानी है यानी कि बॉटम में जो वाटर है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखो इसका नेचर में क्या यूज़ है। तो एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो होता है वो हेल्प करता है प्रिजर्व करने में एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग कोल्ड विंटर या वेदर। तो होता क्या है ऐसे में कि जो टेम्परेचर होता है ऑफ वाटर इन कॉन्टेक्ट विथ आइस जो ऊपर में है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वाइल द टेम्परेचर ऑफ वाटर लेयर बिलो द सर्फेस, देखो बिलो द आइस ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू 4 डिग्री सेल्सियस, और नीचे धीरे धीरे क्या करता है 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, और नीचे मैक्सिमम डेंसिटी है तो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर जैसा कि एक्सपेरिमेंट में देखा। तो एज अ रिजल्ट फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर रिमेन अलाइव इन वाटर ऑफ द पॉन्ड और लेक। तो इसीलिए जो है तालाब में या फिर किसी झील में अपर लेयर पे बर्फ जमने के बाद भी नीचे के लेयर में आप देखोगे मछलियां तैरती हुई दिखाई देंगी, दो वाटर ऑन द सर्फेस हैज़ फ्रोजन हो गया, फिर भी नेचर दस प्रोटेक्ट द एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ये इसी की वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सिक्वेंसेस है नेचर में कि जो एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है रिस्पॉन्सिबल होता है बर्स्ट ऑफ वाटर पाइपलाइंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग वेरी कोल्ड नाइट्स। तो इन सब को अभी क्वेश्चन में आएगा तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, अभी बस कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डीप पॉन्ड ऑफ वाटर हैज़ इट्स टॉप लेयर फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर, स्टेट द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर ऑफ वाटर लेयर जस्ट इन कॉन्टैक्ट विथ आइस। तो हमने अभी डायग्राम में देखा कि कॉन्टैक्ट विथ आइस में जो रहेगा वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉटम में हाईएस्ट डेंसिटी रहेगी वाटर की, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रहेगा टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द टेम्परेचर ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ वाटर इन एन आइस कवर्ड पॉन्ड। तो पेज नंबर 129 पे यही मामूली सा डायग्राम है, ये 0, 1, 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस मेंशन कर देना और ये डायग्राम बना देना। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले आओ, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन करना है तुमको, एक्सप्लेन करो कि वाटर पाइप्स इन कोल्डर कंट्रीज ऑफन बर्स्ट इन विंटर। तो इसका आंसर देखो अभी कॉन्सिक्वेंसेज में था कि विंटर नाइट्स में होता क्या है, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट करता है 4 डिग्री के नीचे जाना तो जो वाटर होता है पाइप में वो एक्सपेंड करने लगता है ना, एक्सपेंशन होता है, तो ये एक्सर्ट करता है बहुत ज़्यादा लार्ज प्रेशर जिसके वजह से पाइप बर्स्ट कर जाती है। नेक्स्ट है आपका बी वाला, देखो कि इन विंटर वाटर टैंक और ओशियन स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम द सरफेस एंड नॉट फ्रॉम द बॉटम। तो इसका तो अभी देखा हमने मछलियों वाले में कि होता क्या है कि वेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर ऑन द सरफेस लूजेस फर्दर हीट, सरफेस का वाटर फर्दर हीट को लूज कर देता है एटमॉस्फेयर में और कन्वर्ट हो जाता है आइस में, ग्रेजुअली फ्रीज कर जाता है, लेकिन जो नीचे का वाटर लेयर है वो रिमेन रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो वाटर लेयर जस्ट बिलो द आइस रहता है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके नीचे चले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपने से लिख लेना, ओके, कि बॉटम से क्यों नहीं फ्रीज करता, क्योंकि बॉटम में जब डेंसिटी मैक्सिमम रहती है तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फर्दर वो डिक्रीज करेगा ही नहीं। सी वाला है कि फिशेस सर्वाइव इन पॉन्ड्स इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसको अभी हमने देखा नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज में कि टेम्परेचर ऑफ वाटर जो कॉन्टेक्ट में रहता है आइस के 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जबकि टेम्परेचर ऑफ वाटर लेयर जो कि आइस से नीचे रहते हैं वो इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हुए बॉटम में 4 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, फिश और दूसरे एक्वेटिक क्रिएचर जिंदा रहते हैं पानी के अंदर, चाहे वो पॉन्ड हो या कोई लेक हो, ऑल दो अपर लेयर पूरा फ्रोजन हो गया तब भी। डी वाला है, अ हॉलो ग्लास स्फीयर विच फ्लोट विथ इट्स एंटायर वॉल्यूम सबमर्ज इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस
सिंक कर जाता है जब वाटर को हीट करते हैं अबव 4 डिग्री सेल्सियस। इसका रीज़न क्या है? तो देखो, इसका रीज़न ये है कि व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को हीट करते हैं उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, जब डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो हॉलो ग्लास स्फेयर सिंक कर जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे कंडीशन में वाटर की डेंसिटी जब डिक्रीज कर गई तो ग्लास की डेंसिटी बढ़ गई, तो ग्लास की डेंसिटी अगर ग्रेटर है वाटर से तो वो सिंक कर जाएगा। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले चैप्टर में, जस्ट इससे पहले वाले में। लास्ट वाला है, अ ग्लास बॉटल कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर एंड टाइटली क्लोज एट रूम टेम्परेचर इज लाइकली टू बर्स्ट वेन केप्ट इन फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। अब कोई ग्लास बॉटल है जो इसमें जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है वाटर से, टाइटली क्लोज है रूम टेम्परेचर पे, वो बर्स्ट कर जाएगा फ्रीजर में। ऐसा क्यों होगा? तो सेम कंडीशन होगा यहाँ पे भी कि विंटर, वो यहाँ विंटर नाइट की जगह पे क्या हो जाएगा, फ्रीजर के अंदर की बात कर रहा है कि इन फ्रीजर एज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फ्रीजर का स्टार्ट करेगा जब बिलो फॉल करना 4 डिग्री सेल्सियस से, वाटर इन बोटल पाइप की जगह बॉटल में क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और एग्जर्ट करेगा लार्ज प्रेशर ऑन द बॉटल सरफेस कॉजिंग इट टू बर्स्ट। तो इसको अपने से आप लिख लेना। अब नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो दोज आर ऑलरेडी जो है कि गिवन, आंसर्स जो है आपके पास पहले ही से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6B की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।